हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन उससे पहले, लेंसों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा, यानी कि कल जो मैंने आपको पढ़ाया था किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ द्वारा अगर हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो गोलीय पृष्ठ हमारे दो टाइप के होते हैं, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ और एक अवतल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, तो उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसको मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया था कल। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग प्रूफ करेंगे अवतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। दोनों ही केस में आपका फार्मूला यही आएगा। ठीक है, दोनों केस में आपका यही फार्मूला आएगा, और इसी फार्मूले को यानी कि गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे किसी लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप सबकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये कल मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, ये आपका था उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जिसको हमने अच्छी तरीके से क्लियर किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग डालिए, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के इसी फार्मूले पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से कोई क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो अब उत्तल अवतल दोनों के लिए सॉल्व करना है, तो हम उत्तल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग अवतल के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक उत्तल लेंस है, इसके सामने यहाँ बिंदु ओ पर कोई वस्तु रखी है। ठीक, तो इस वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश किरण हो गई। ठीक है, ठीक, ये चलने वाली प्रकाश किरण यहां आई। ठीक है, और इस बिंदु पर आकर, ठीक है, यहां पर बना इमेज आई डैश। ठीक है, और एक इमेज बना यहां पर आई। अब यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हमने क्यों बनाया, उसके पीछे कारण है। ठीक है, थोड़ा सा समझिए, समझ में आ जाएगा। समझने का मतलब यह है, हमने सबसे पहले यह माना कि यह एक उत्तल पृष्ठ है और इधर वाला अपसेंड कर दिया। इधर वाला क्या किया हमने बच्चों, अपसेंड कर दिया। ठीक है, तो इधर वाला अगर हम क्या करें, अपसेंड कर दें, तो इसकी यानी कि ये जो हमारा प्रतिबिंब वस्तु है, इस वस्तु का इमेज पहले कहाँ बना, आई डैश पे। ठीक है, अब ये आई डैश से चलने वाली प्रकाश किरण, आई डैश से दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, आई डैश से चलने वाली प्रकाश किरण। ठीक है, इस पृष्ठ पर यानी दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगी। किसका काम करेगी, वस्तु का काम करेगी। ठीक है, जब ये वस्तु का काम करेगी तो इसका इमेज ये वाला पृष्ठ यहां पर बनाएगा। तो ये हमारा वस्तु है, ये मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र पी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, यू। ठीक है, हालांकि माइनस यू होगा, और ये आपका जो है कितनी दूरी है इसकी, वी। ठीक है, दूसरी साइड बन रहा, और इसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी है, वी डैश। कितनी दूरी है, वी डैश। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला पृष्ठ है और इधर का हो गया दूसरा पृष्ठ। तो अगर हम दूसरे पृष्ठ यानी कि पहले पृष्ठ के लिए दूसरे पृष्ठ को थोड़ी देर के लिए अब्सेंट मान लें, ये मान लें कि दूसरा पृष्ठ हमारा नहीं है, तो ये वस्तु है, इस वस्तु का इमेज यहाँ पे बन रहा है। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात यही है ना, इस वस्तु का इमेज का यहाँ पे बन रहा है। सीधी बात तो यही है कि अगर हमारा दूसरा पृष्ठ नहीं है तो यहाँ पे वस्तु का इमेज बन रहा है। इधर का अपवर्तनांक कितना है, एन वन, इसके अंदर का अपवर्तनांक कितना है, एन टू। ठीक है, और फिर बाहर आपका कौन सा अपवर्तनांक है, एन वन। ठीक है, क्योंकि ये कांच, कांच के अंदर अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा और बाहर दोनों साइड क्या है, सेम अपवर्तनांक है। तो प्रकाश किरण किससे किस में गई, एन वन से एन टू में गई। ठीक है, इमेज कहां बना दी, आई डैश पे बनाई। तो पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, या एक सेकंड, आना माना जो भी लिखना है आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, माना कोई उत्तल लेंस, माना किसी उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने
बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर कोई वस्तु स्थित है, कोई वस्तु स्थित है ठीक है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी साइड, आई पर बनता है, परंतु जो आई पे प्रतिबिंब बन रहा है, इस आई के लिए, क्योंकि आई पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो अगर हम देखें इस तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहले पृष्ठ के द्वारा इस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, और इस आभासी प्रतिबिंब का ये पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ नंबर दो, यानी कि सेकेंड पृष्ठ जो है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का सूत्र क्या कहता है, N2 बटे क्या होता है, V, ठीक है। तो प्रतिबिंब, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब ये है आपका I डैश, तो दूरी कितनी हो गई, V डैश माइनस N1 बटे वस्तु की दूरी कितनी है, U है, इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे पहले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, R1, ठीक है। ये भी मान लीजिए कि माना पहले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, R1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, भाई अपवर्तन का सूत्र है क्या, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने वही बात किया था, यही अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है। जहाँ पे N2 क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, यानी कि जहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है, V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी, ठीक है, N1 क्या है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण चल रही है, तो सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, दूसरे पृष्ठ की अगर हम बात करें, तो दूसरे पृष्ठ के लिए अब प्रकाश किरण, दूसरे पृष्ठ यानी कि इस पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कहां से चलना स्टार्ट कर रही है, दूसरे माध्यम N2 से, N2 से कहां जा रही है, N1 में, तो N1 बटे ठीक है, N1 बटे क्या फार्मूला होगा, माइनस, ठीक है, N1 बटे V। N1 का मतलब प्रतिबिंब यहाँ आई, ठीक है, N2 से N1 में जा रहा है ना, तो N2 से N1 में जा रहा, तो पहले N2 फिर वस्तु की प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ है, V पे, माइनस, अब कहाँ से आ रहा है, N2 से आ रहा है, N2 बटे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो वस्तु का काम कौन किया, आई डैश, तो U की जगह क्या हो जाएगा, आई डैश बराबर, इधर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, N1 माइनस N2 बटे R, N1 माइनस N2 बटे R, ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है, बताइए यहां तक बात समझ में आ गई, समीकरण नंबर हो गया ये 2। अब समीकरण 1 और 2 को सीधे सीधे क्या करिए, जोड़ लीजिए, समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, जोड़ लीजिए, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो समीकरण 1 देखिए क्या था, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 हमारा आया था N2 बटे V डैश माइनस N1 बटे U इजकल टू
एन टू माइनस एन वन बटे आर वन। ठीक है, समीकरण नंबर दो क्या था, समीकरण दो मिला था एन वन बटे वी माइनस एन टू बटे वी डैश इजकल टू एन वन माइनस एन टू बटे आर टू। ठीक है, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, तो भाई जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, समीकरण एक दो स्पष्ट है, ये देखिए समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। समीकरण एक जो है ये क्या है, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला अप्लाई किया गया है। समीकरण दो जो है वो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला अप्लाई किया गया, और अपवर्तन का फार्मूला क्या है वो भी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यही अपवर्तन का फार्मूला हमने अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए तो जोड़ लीजिए भाई, देखिए ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस में ये माइनस में, बाकी सारी चीजें क्या हो गई, इधर एन वन अपान वी माइनस एन वन अपान यू, ठीक है, इक्वल टू इधर एन टू माइनस एन वन बटे आर वन प्लस एन वन माइनस एन टू बटे आर टू। ठीक है, इधर से क्या कॉमन हो रहा है, एन वन कॉमन हो रहा है, तो वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू ये क्या फार्मूला, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो एन टू माइनस एन वन बटे आर वन, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एन टू माइनस एन वन बटे आर टू। ठीक है, अब देखिए बाहर एन वन है आपका, वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन कॉमन है, एन टू माइनस एन वन हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, यहाँ क्या बचा, वन बाई आर वन, वन बाई आर वन प्लस, यहाँ क्या बचा, बीच में माइनस है ना, माइनस वन बाई आर टू। ठीक है, वन बाई आर टू। ठीक, इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये 1 अपान वी माइनस वन अपान यू इजकल टू एन वन से इधर हो जाएगा बाहर, एन टू बटे एन वन माइनस एन वन बटे एन वन। ठीक है, और इधर हो गया 1 बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए क्या मिल जाएगा, 1 अपान वी माइनस वन अपान यू इजकल टू ये हो जाएगा एन टू बटे एन वन माइनस वन। ठीक है, और इधर वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा दिख नहीं रहा, चलिए थोड़ा इधर कर देते हैं, ये क्या चीज है, वन अपान बी माइनस वन अपान यू इजकल टू ये है क्या, एन टू बटे एन वन, एन टू बटे एन वन क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसकी जगह हम सीधे सीधे एन माइनस वन, एन माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये जो है हमारा किसी, ठीक है, लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, ये लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक, बोलो, और ये है क्या चीज़, इसी को अगर हम देखें तो इसी को हम वन अपान एफ भी लिख सकते हैं, या इसी को इस तरीके से भी प्रूफ करने के लिए जो है आ सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चीज जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हमारा वन बाई एफ है। ठीक है, तो लेंस सूत्र अगर हम देखें तो लेंस सूत्र वन अपान एफ इजकल टू होता है वन अपान बी माइनस वन अपान यू, तो वन अपान बी माइनस वन अपान यू की जगह हम वन अपान एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गई यहां तक चीजें, बोलिए। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे लेंस की क्षमता के बारे में। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या चीज़ होती है, या अगर हम दो लेंसों को एक साथ जोड़ते हैं, दो लेंसों को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, नोट करना हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता। ठीक है, तो अगर बच्चों हम लेंस के क्षमता की बात करें, ठीक है, लेंस के क्षमता यानी कि कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को कितना मैग्निफाई कर रहा है, यानी कि कितना फैला देता है या कितना सिकोड़ देता है, वही उसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, ठीक है, अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। इसे डायोप्टर से प्रदर्शित करते हैं, लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, डायोप्टर से। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन प्रदर्शित पी से करते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता पी इज इक्वल टू फार्मूला होता है वन अपान एफ, जहां पे एफ जो है लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में। लेंस की जो फोकस दूरी है वो किसमें आनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तब आपके क्षमता का फार्मूला P बराबर हो जाएगा 1/ यानी कि 100/F। ठीक है, जहां पे F ये आपका है सेंटीमीटर में और ये क्या है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। अब ध्यान से देखिए कैसे, ठीक है, जैसे मान लो हमें दे दिया दो अलग अलग लेंस, ठीक है, एक दे दिया उत्तल लेंस, एक दे दिया उत्तल लेंस, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी f बराबर दे दिया 50 सेंटीमीटर, कितना, 50 सेंटीमीटर। एक दे दिया अवतल लेंस, एक क्या दे दिया, अवतल लेंस दे दिया, जिसकी फोकस दूरी f इक्वल टू दे दिया -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे अगर डायरेक्टली पूछ ले कि इनकी संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, तो संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, सबसे पहले तो संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, तो संयुक्त फोकस दूरी मान लेते हैं इनकी कितनी होगी, f होगी, कितनी होगी, f होगी। ठीक है, तो संयुक्त फोकस दूरी बराबर क्या होता है, संयुक्त क्षमता होता है, तो यानी कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2, या ऐसे कह सकते हैं इनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी उसका व्युत्क्रम इनके अलग अलग 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जहां पे 1/f क्या है, संयुक्त क्षमता, तो संयुक्त क्षमता को p से और पहले लेंस की क्षमता को p1 से, दूसरे लेंस की क्षमता को p2 से इस फार्मूले से डिनोट। अब इसमें आप मान रख दीजिए, ठीक है, इसमें अगर आप मान रखेंगे तो संयुक्त फोकस दूरी आपकी निकल आएगी। ठीक है, ये तो हम आपको बस सिंपल सा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा तरीका बता दिया। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो है हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए तीन फार्मूले आपके सामने निकल के आ गए। पहला फार्मूला आपका, हमने आपका बताया n/v-1/u=n-1/r, एक ये फार्मूला बताया, इस पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए। एक फार्मूला हमने आपको 1/f इक्वल टू बताया n-1 × 1/r1 − 1/r2, एक ये फार्मूला बताया, इस पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा हमने आपको बताया 1/v-1/u=n-1 / r1 − 1/r2। ठीक है, ये तीसरा फार्मूला हमने आपको बताया। अभी भी क्षमता का फार्मूला हमने आपको बताया p=1/f। ठीक है, और संयुक्त फोकस दूरी यानी कि संयुक्त क्षमता p=p1 + p2, ये फार्मूला बताया। संयुक्त फोकस दूरी 1/f=1 बताया, 1/f1 + 1/f2, ये फार्मूला बताया। तो ये फार्मूले जो हमने आपको बताए, इस पर आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बेटा, सभी क्वेश्चनों को क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और बाकी जो है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो हम न्यूमेरिकल करवाएंगे ही, लेकिन अगर आप खुद से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए रहेंगे तो चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, और जहाँ पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में, इसके आगे के टॉपिक के बारे में। ठीक है, और संयुक्त फोकस दूरी, ठीक है, या लेंस की क्षमता, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग कल बात करेंगे। ओके।